नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आपको थर्मल इंजीनियरिंग के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जो छात्र मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र हैं, विद्यार्थी, चाहे वो ऑटोमोबाइल के हो चाहे वो प्रोडक्शन के हो, जिसके बाद सब्जेक्ट है थर्मल इंजीनियरिंग, उसके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरे सभी छात्र छात्रों से एक रिक्वेस्ट है कि जो छात्र छात्रा में हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, वो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एयर कंप्रेसर को समझाइए, रेसिप्रोकेटिंग एवं रोटरी कंप्रेसर को समझाइए। ठीक है, पहले क्वेश्चन में आपको बताना है कि एयर कंप्रेसर क्या होता है, उसको समझाना है। दूसरा, इसी में एक पार्ट है, रेसिप्रोकेटिंग एवं रोटरी कंप्रेसर को समझाना है। ठीक है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए, थर्मोडायनेमिक स्टेट एंड सिस्टम, दूसरा क्लोज्ड ओपन एंड आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम, बाउंड्री सराउंडिंग एंड यूनिवर्स, अगला एथैल्पी एंड एंट्रोपी, अगला ड्राई सैचुरेटेड एंड सुपर हीटेड स्टीम। ठीक है, इनमें से आपको जो भी मैंने आपको पांच ये टिप्पणियां वाले बताए, इनमें से आपको तीन तो 100% एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप पांचों को अच्छे से तैयार करके जाइए, एक भी स्किप ना कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का मान ज्ञात कीजिए। आपको इस वाले क्वेश्चन में यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का मान ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना कि आदर्श गैस के नियमों को लिखिए। आपको आदर्श गैस के नियम लिखने हैं, सीपी एंड सीवी में संबंध बताना है। आपको सीपी और सीवी में संबंध स्थापित करना है, संबंध बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन साइकिल गैस टर्बाइन एवं क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन के बारे में लिखिए। देखो, इसका एक डिफरेंस भी हो सकता है कि ओपन साइकिल गैस टर्बाइन क्या होता है वर्सेस क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन, या फिर ये इस तरीके से भी आ सकता है, या फिर ये ओपन अलग आ सकता है, क्लोज अलग आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल ना छोड़े, पांच नंबर का क्वेश्चन है, पक्का पकाया आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट ट्रांसफर से आप क्या समझते हैं, इसकी कौन कौन सी विधियां हैं। आपको बताना है कि हीट ट्रांसफर क्या क्या होता है, इसकी कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है, अगले बताना है फॉरियर्स इक्वेशन ऑफ हीट कंडक्शन। ठीक है, आपको ये इक्वेशन अच्छे से बतानी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको बताना है विभिन्न प्रकार के ऊष्मा गति की प्रक्रम को समझाइए, डिफरेंट टाइप के थर्मोडायनेमिक्स प्रक्रम को आपको यहाँ पे समझाना है। नेक्स्ट स्टेप में बताना है कि स्टेप्स इन स्टीम फॉर्मेशन, आपको स्टीम फॉर्मेशन के स्टेप यहाँ पे लिखने हैं। टेंथ क्वेश्चन है, ऊष्मा गतिकी के शून्य प्रथम द्वितीय एवं तृतीय नियम को समझाइए। आपको शून्य का एक नियम है, जीरो मतलब प्रथम द्वितीय एवं तृतीय को जो लॉ है वो आपको यहाँ पे समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि डिस्क्राइब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जॉली एक्सपेरिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है और मेलियर चार्ट को समझाना है। अगले क्वेश्चन बॉयलर क्या होता है, आपको बताना है कि बॉयलर जो क्या होता है, इसका वर्गीकरण लिखिए। आपको इसका वर्गीकरण भी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना कि बॉयलर माउंटिंग एवं बॉयलर एक्सेसरीज को समझाइए। आपको यहाँ पे बॉयलर माउंटिंग को और बॉयलर एसोसीरीज एक्सेसरीज को समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कैरनोट साइकिल को समझाइए और थियोरेटिकल साइकिल्स एवं एक्चुअल साइकिल्स में अंतर बताना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि स्टीम टर्बाइन क्या है, इसके लाभ लिखिए। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि इंपल्स एवं रिएक्शन टर्बाइन में अंतर लिखिए तथा इनको समझाइए। आपको इसमें अंतर लिखना है, बताना है। अगले क्वेश्चन में गवर्निंग की विधियों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि कंडेंसनर क्या होता है, इसका वर्गीकरण लिखिए। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि 4S एवं 2S इंजन तथा CI एंड SI इंजन में अंतर लिखिए। ठीक है, आपको 4S और 2S इंजन में अंतर लिखना है, CI और SI इंजन में आपको अंतर लिखना है, डिफरेंस लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, वैन ब्लोवर एंड रूट्स ब्लोवर कंप्रेसर का सचित्र वर्णन कीजिए। आपको इस चित्र के द्वारा इन दोनों का सचित्र वर्णन करना है। ठीक है, तो ये 21 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, यहीं से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, यहीं से आपके एग्जाम में आएंगे। तो अगर आप इन सारे क्वेश्चंस करके जाते हो तो 45 प्लस मार्क्स आप आराम से बोर्ड में गेन कर सकते हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।